हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉन्फिडेंस पॉइंट पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 रिलेशन एंड फंक्शन का। और इसमें हम डिस्कस करेंगे आज फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन। इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन। देखिए, फलनों का संयोजन एक क्वेश्चन हर साल आपका एक या दो नंबर में पक्का पूछता है फलनों के संयोजन से। डेफिनेटली 101% अगर आप इस चीज़ को अभी सीख लेंगे तो फ्यूचर में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फलनों का संयोजन क्या है। तो देखिए, यहाँ पे सिंपली ये टॉपिक है फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। इसका डेफिनेशन देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है। देखिए, इसमें परिभाषा 8 जो दे रखा है उसको पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। परिभाषा नंबर 8 कह रहे कि मान लीजिए एफ सच डेट ए से बी तथा बी सच डेट बी टू सी दो फलन है। मतलब एफ को हमने डिफाइन किया ए से बी इंटरवल में, ठीक है ना, ए से बी में मैपिंग कर रहे हैं। जी को हमने डिफाइन किया बी से सी में, ये डिफाइन है दो फलन है। तब एफ और जी का संयोजन जी ओ एफ द्वारा निरूपित होता है। तब फलन जी ओ एफ जो होगा वो ए टू सी इसका मैपिंग होगा। एंड जी ओ एफ एक्स को हम लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स लिखेंगे, और फॉर ऑल एक्स का जो वैल्यू है वो ए से बिलोंग करेगा द्वारा परिभाषित होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। कह रहे कि एफ ए टू बी होगा, ए से बी में होगा, और जी जो है वो बी से सी में होगा। तो बी यहाँ पे मतलब मीडियन पॉइंट है, या एक हम कह सकते हैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा। फिर यहाँ से जब इन दोनों फंक्शन को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, संयोजित करेंगे, तो ए टू बी इसका मैपिंग हो जाएगा। ठीक है ना, तो इनिशियल टू फाइनल हो जाएगा, बी यहाँ पे कोलैप्स कर जाएगा, तो जी ओ एफ हो जाएगा ए टू बी। तो यहाँ पे जी ओ एफ एक्स इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, जी ऑफ एफ एक्स लिखेंगे। ठीक है ना, तो सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम देखते हैं, इसका एग्जांपल्स देखते हैं, इसको पहले हम लिख लेते हैं इसके डेफिनेशन को। ठीक, तो मान लीजिए परिभाषण में माना, ठीक ना, एफ सच डेट ए टू बी तथा जी कोई दूसरा फंक्शन है सच डेट बी टू सी दो फलन है, दो फलन है। तब एफ और जी का संयोजन, एफ और जी का संयोजन, इसका संयोजन को हम किससे निरूपित करेंगे, जी ओ एफ। इसको गॉफ पढ़ते हैं, ठीक ना, क्या पढ़ेंगे, गॉफ, जी ओ एफ गॉफ द्वारा निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। मतलब जी के अंदर हम एफ को, एफ का हम क्या कर रहे हैं, समावेश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समावेश कर रहे हैं। तो अब इसमें देखेंगे तो जी ओ एफ तथा फलन जी ओ एफ सच डेट, ये क्या होगा, मैपिंग इसका ए टू सी होगा, ए से सी मैपिंग होगा। ठीक, और जी ओ एफ एक्स को हम लिखेंगे जी ऑफ एक्स लिखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट यहां पे, जी ओ एफ एक्स को हम क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स लिखा जाएगा। ठीक है ना, और यहां पे फॉर ऑल एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए से, किसे बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स नंबर 16। देखिए, एग्जांपल नंबर 16 कह रहे हैं कि फंक्शन, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि फंक्शन एफ रियल नंबर टू रियल नंबर में मैपिंग है, जी रियल नंबर टू रियल नंबर में मैपिंग है। फलन एफ एक्स, फलन क्रमशः एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, जी एक्स इक्वल टू 3x² द्वारा परिभाषित है। तो जी ओ एफ और एफ ओ जी ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास दे रखा है एफ सच डेट रियल नंबर टू रियल नंबर में मैपिंग है तथा जी जो है वो रियल नंबर टू
रियल नंबर में मैपिंग है, ठीक है ना। तो गॉफ निकालना है, फॉग निकालना है। फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, मेरे पास दे रखा है कॉस एक्स, और जी एक्स इक्वल टू मेरे पास दे रखा है 3x का स्क्वायर। क्या देखा है 3x का स्क्वायर, तो जी ओ एफ निकालना है, गॉफ निकालना है। तो गॉफ इक्वल टू कितना जाएगा, गॉफ इक्वल टू इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो गॉफ जी ओ एफ एक्स, इसको लिखते हैं जी ओ एफ एक्स, और जी ओ एफ एक्स को लिखते हैं जी ऑफ एफ एक्स, लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स देखिए एफ एक्स किसके बराबर है, कॉस एक्स, तो एफ एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स लिख सकता हूँ। अब जी एफ एक्स, एफ एक्स ही आ गया कॉस एक्स। अच्छा अब जी एक्स इक्वल टू क्या है, 3x स्क्वायर है, तो यहाँ पे जी कॉस एक्स है, तो जी कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो x की जगह हम सब्सटीट्यूट कर देंगे क्या, कॉस एक्स, x की जगह हम सब्सटीट्यूट करेंगे, कॉस x को सब्सटीट्यूट करेंगे तो इक्वल टू जाएगा 3 कॉस स्क्वायर x, क्या जाएगा 3 कॉस स्क्वायर x। तो सिंपली यहाँ पे x की जगह हमें क्या रखना है, कॉस x रखना है, क्लियर है। चलिए ऐसे निकालते हैं एफ ओ जी फॉग, ठीक है, फॉग निकालेंगे तो उसको लिखेंगे एफ ओ जी ऑफ एफ एक्स, तो लिखेंगे एफ जी ऑफ एफ एक्स, अच्छा जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या है, तो एफ जी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, तो इसकी जगह लिखेंगे हम 3x का स्क्वायर। अच्छा अब एफ एक्स इक्वल टू क्या हमारे पास कॉस एक्स है, तो एक्स एक्स, तो यहाँ पे x की जगह क्या है हमारे पास 3x स्क्वायर है, तो इस वाली इक्वेशन में x की जगह हम क्या रख देंगे 3x स्क्वायर, तो ये कॉस 3x का स्क्वायर, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अतः f गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग, ठीक है ना, तो गॉफ और फॉग आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 17 फिर आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तभी करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4 बाय 5x माइनस 7 द्वारा परिभाषित फलन एफ सच डेट आर माइनस 7 बाय 5, ठीक ना, मैपिंग है चेंजेस टू 7 आर माइनस 3 बाय 5 तथा जी एक्स इक्वल टू 7x प्लस 4 बाय 5x माइनस 3 द्वारा परिभाषित फलन एफ सॉरी जी सच डेट आर माइनस 3 बाय 5 मैपिंग आर माइनस 7 बाय 5 प्रदत्त है, तो सिद्ध कीजिए कि जी ओ एफ ओ जी इक्वल टू आई ए तथा जी ओ एफ इक्वल टू आई बी इस प्रकार है कि आई ए एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा ए से आई बी एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ से बी से, जहाँ ए इक्वल टू दिस एंड वी इक्वल टू दिस, ए और ए तथा बी को क्रमशः समुच्चय ए और बी का तत्समक फलन कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आई ए और आई बी क्या है हमारा तत्समक फलन है, कैसा फलन है तत्समक फलन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें, तो सिंपली एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स क्या दे रखे हमारे पास, फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू है 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5x माइनस का 7, ऐसे हमारे पास जी एक्स फंक्शन है 7x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 3, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया गजब, सबसे पहले हम निकालते हैं गॉफ जी ओ एफ, तो जी ओ एफ इक्वल टू जी ओ एफ एक्स, और इसको लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स तो 3x प्लस 4 बाय 5x माइनस 7, ठीक है। तो अब यहाँ पे जी ऑफ एफ एक्स, तो ये पूरा x का वैल्यू हो गया, जब g के टर्म्स में ये दे रखा है तो ये पूरा हमारा क्या होगा x का वैल्यू हो गया, तो इस वाले इक्वेशन में x की जगह ये पूरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7, देखिए तो ये जाएगा 7 3x प्लस 4 बाय 5x माइनस 7,
ठीक है, प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 5, 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 7 माइनस का 3। आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए ये x का वैल्यू हो गया, इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट कर दिया तो 7x, x की जगह ये हो जाएगा, तो 7 इंटू दिस प्लस 4, 5 माइनस 5x, तो x की जगह ये वाला वैल्यू हो जाएगा, तो ये x की जगह ये रख देंगे और माइनस का 3, माइनस का 3। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, देखें 7 का अंदर मल्टीपल 7 है 21, एक्स माइनस प्लस का 28 माइनस का सॉरी प्लस है, एलसीएम ले लेंगे 20, एक्स माइनस का 28 डिवाइडेड बाय 5x माइनस का 7 होल डिवाइड में, ये आपका आ जाएगा एलसीएम ले लेंगे तो 15x प्लस का 20 माइनस का 5 से 15 एक्स और प्लस का 21, देखिए 15 डिवाइडेड बाय 5x माइनस का 7, तो इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, 15x से 15x कैंसिल हो जाएगा, 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 41x डिवाइडेड बाय 41, 41 से 41 कैंसिल किया जाएगा x, तो जी ओ एफ इक्वल टू क्या आ गया हमारा x आ गया। ठीक, चलिए एफ ओ जी निकाल के देखते हैं, एफ ओ जी कितना आता है, फॉर्क निकाल के देखते हैं, तो एफ ओ जी इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स देखिए जी एक्स बराबर क्या है हमारे पास, जी एक्स बराबर 7x प्लस 4 डिवाइड बाई 5x माइनस 3, तो ये 7x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 7 है ना, यही वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे हम एफ एक्स में, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4 डिवाइडेड 5x माइनस 7, तो x की जगह ये वाला वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे, तो यह जगह हमारा 3 सेवन एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5x माइनस का 7, ठीक है। अच्छा एफ एक्स यहां पे जी एक्स का वैल्यू 5x माइनस का 3 है, माइनस का 3 होगा ये, माइनस का 3 प्लस का 4 डिवाइडेड बाय देखते हैं नीचे हमारा 5x माइनस का 7, तो जाएगा 5x 5 7x प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 5x माइनस का 3 ठीक माइनस का 7, ये हो गया हमारा। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 21 एक्स प्लस का 12 प्लस का एलसीएम ले लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 एक्स माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 5x माइनस का 3 इसके होल डिवाइड में, ये हो जाएगा 35 एक्स प्लस का 20 माइनस का 35 एक्स और सत्य 21 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 से 5x 3 माइनस कैंसिल, 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो 41x डिवाइडेड बाय 41, 41 से 41 कैंसिल हो जाएगा x, तो एफ ओ जी इक्वल टू क्या जाएगा x हो जाएगा, एफ ओ जी इक्वल टू x। तो यहाँ पे हमने ये कंक्लूड निकाला कि एफ जी ओ एफ x बराबर है, तो एफ ओ जी भी एफ x के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं अतः यहाँ पे जी ओ एफ इक्वल टू x है फॉर ऑल x जो है यहाँ पे बिलोंग करेगा b से, क्योंकि वह g से बिलोंग करेगा, जी के लिए हमने डिफाइन किसके लिए किया था, जी हमारा मैपिंग है बी से, ठीक ना, ये है ना जी के लिए मैपिंग, ठीक ना, और यहाँ पे देखेंगे तो ये बी इक्वल टू क्या है, बी जो है वो सेवन आर माइनस सेवन बाय फाइव है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये मैपिंग क्या था, क्या था ए टू बी, ठीक देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये जो है ए टू, ए टू सी लेते हैं मैपिंग इसका, ये सी टू बी हो जाएगा, तो लास्ट में जी ओ एफ हो जाएगा ए टू बी, ए टू बी, तो यहां पे जी ओ एफ जो होगा, जी ओ एफ जो होगा ये जी जो होगा जी ओ एफ ये सजेट होगा बी टू ए मैपिंग होगा, तो इसलिए एक्स का जो वैल्यू है वो बी से बिलोंग करेगा, ठीक है ना, तथा जी ओ सॉरी एफ ओ जी, एफ ओ जी सच डेट ये मैपिंग होगा ए टू बी, ए टू बी होने की वजह से तो एफ ओ जी भी एक्स आ रहा है, तो फॉर ऑल एक्स का जो वैल्यू है वो बिलोंग करेगा किससे, ए से बिलोंग करेगा,
किससे बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। अगर ये ए से बिलोंग करता है तो इसका अर्थ है, अतः इसका अर्थ है कि जी ओ एफ ये आपका आई बी के बराबर होगा और एफ ओ जी ये आपका आई ए के बराबर होगा। क्लियर। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको इसमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए सिद्ध कीजिए कि एफ सच डेट ए टू बी और जी बी टू सी एक एक ही है, तो जी ओ एफ ए टू सी, जी ओ एफ ए टू सी भी एक एक ही होगा। ठीक ना, तो एक एक ही फलन के लिए कंडीशंस क्या है वो हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पे एफ सच डेट ए टू बी और जी सच डेट बी टू सी, तो जी ओ एफ जो होगा वो सच डेट होगा ए टू सी मैपिंग होगा इसका। जब ए टू सी मैपिंग है, ठीक, तो कह रहे कि जी ओ एफ एक एकाकी है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, ये भी हमारा एकाकी है और ये भी हमारा एकाकी है, एफ भी एकाकी है और जी भी एकाकी है। ठीक ना, तो एफ ओ जी एकाकी है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, ठीक ना, इसका हम प्रूफ करते हैं। तो जी ओ एफ एक्स वन बराबर जी ओ एफ एक्स टू। ठीक, तो देखिए यहां पे तो इसको लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स टू। ये एकाकी है, जी हमारा एकाकी है, एकाकी फलन है, एकाकी फलन है। देखिए कभी भी एकाकी फलन होता है तो एकाकी फलन हमने पढ़ा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको सबसे पहले एक बार वीडियो देख लीजिए कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, अगर ये एकाकी होता है तो एक्स वन बराबर क्या होता है, एक्स टू होता है एकाकी के लिए। अगर ये एकाकी होता है तो ये वाला कंडीशन है, तो ये एकाकी है तो इसका मतलब है ये हमारा एक्स है, तो इसका मतलब होगा फंक्शन ऑफ एफ एक्स वन बराबर होना चाहिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स टू, ये होना चाहिए। लेकिन यहां पे एफ भी हमारा एक एकाकी फलन है, ये भी एक एकाकी फलन है, तो लिखेंगे क्योंकि जी एकाकी फलन है, एकाकी फलन है, जब जी सॉरी जी नहीं, यहां पे एफ का फलन है, यहां पे जी, ठीक ना, यहां पे कॉमा कर देता हूं, क्योंकि एफ जो है एकाकी फलन है, तो अगर एफ एकाकी फलन है तो इस कंडीशन में एकाकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये एफ x1 वन इक्वल टू एफ एक्स टू है, तो ये एफ एक्स वन बराबर क्या जाएगा, एक्स टू हो जाएगा। तो इसका मतलब देखिए इसको हमने लेट किया था, और जब इसको लेट किया था तो x1 और x2 अगर आपस में बराबर होते हैं तो ये जी ओ एफ भी फलन हमारे क्या होगा, एक एक ही होगा। ठीक है ना, तो यहां पे लिखेंगे अतः जी ओ एफ सच डेट ए टू सी एक एक ही फलन, ये हमारे क्या जाएगा, एक एक ही फलन होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं व्युत्क्रमणीय फलन पे, उसको डिफाइन देखते हैं और एक क्वेश्चन उसमें से हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है, क्वेश्चन नंबर परिभाषा नंबर 9, कह रहे कि फलन एफ सच डेट एक्स टू वाई व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है यदि एक फलन जी वाई टू एक्स का अस्तित्व इस प्रकार है। देखिए यहां पे रिवर्स है ना, y टू x में इसका अस्तित्व इस प्रकार है कि जी ओ एफ इक्वल टू आई एक्स तथा एफ ओ जी इक्वल टू आई वाई है। ठीक है, जी ओ एफ इक्वल टू आई एक्स मतलब x के बराबर होना चाहिए और x बिलोंग करना चाहिए g से, g मतलब y से। ठीक है ना, और एफ ओ जी इक्वल टू आई वाई इसके बराबर क्या होना चाहिए, y होना चाहिए और y बिलोंग करना चाहिए किससे, x से। फलन g को यहां पे देखना, फलन g को फलन f का प्रतिलोम इनवर्स कहते हैं और इसको f इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो यदि f व्युत्क्रमणीय है तो अनिवार्यता एकाकी और आच्छादक होता है। अगर फलन हमारा क्या है, व्युत्क्रमणीय है, ठीक है ना, तो व्युत्क्रमणीय के लिए कंडीशन है कि फलन हमारा एकाकी भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। अगर एकाकी आच्छादक है तभी वो इनवर्सल इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, अदरवाइज वो इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, या इसका विलोमता कह रहे कि यदि फलन एफ एकाकी और आच्छादक है
तो F अनिवार्यता व्युत्क्रमणीय होता है। ठीक है, तो यह तथ्य X को एकाकी और अचालक सिद्ध करके व्युत्क्रमणीय प्रमाणित करने में महत्वपूर्ण रूप में सहायक होता है। ठीक है, व्युत्क्रमणीय प्रमाणित करने में महत्वपूर्ण रूप से सहायक होता है। तो विशेष रूप से जब F का प्रतिलोम वास्तव में ज्ञात नहीं करना है। ठीक है, जब हमें F नहीं ज्ञात करना होगा तो उस कंडीशन में अगर हमसे पूछते हैं कि सिद्ध कीजिए कि F एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो उस कंडीशन में हम ये दिखा सकते हैं कि फलन अगर एकाकी अचालक है तो वह व्युत्क्रमणीय भी होगा। ठीक है, क्लियर है। तो फलन एकाकी और व्युत्क्रमणीय है तो फलन हमारा क्या हो जाता है, सॉरी एकाकी और अचालक है तो फलन हमारा व्युत्क्रमणीय होता है। तो उसको मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज में, तो ये हो गया हमारा व्युत्क्रमणीय फलन इन्वर्टिबल फंक्शन कि फलन f सच डेट x टू y व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है यदि एक फलन g सच डेट y टू x का अस्तित्व, मतलब रिवर्स में है, का अस्तित्व इस प्रकार है कि g ओ f इक्वल टू आई एक्स तथा f ओ g इक्वल टू आई वाई है। तो फलन g को जो है f का हम क्या करेंगे, प्रतिलोम फलन कहते हैं। तो इसके लिए एक कंडीशन आपको याद रखने की जरूरत है, कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। नोट, यदि फलन f व्युत्क्रमणीय है इन्वर्टिबल है तो f अनिवार्यता एकाकी और अचालक होता है, इसका विलोम भी सत्य है। इसका मतलब एकाकी और अचालक है फलन तो वो व्युत्क्रमणीय भी होगा। तो कभी भी फलन अगर क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो उस कंडीशन में हम फलन को अगर एकाकी और अचालक दिखा देंगे तो फलन प्रूफ हो जाएगा कि वो व्युत्क्रमणीय भी है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो सिंपली एग्जाम्पल नंबर हम लेते हैं 23। एग्जाम्पल नंबर 23 आज के वीडियो में बस हम एग्जाम्पल ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कि मान लीजिए कि f सच डेट n2 बाई एफ एक्स इक्वल टू 4x+3 द्वारा परिभाषित एक फलन है जहां y इक्वल टू स्मॉल y चेंज बिलोंग्स टू कैपिटल N और y इक्वल टू 4x+3 किसी एक्स एन बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए, यहाँ पे y दे रखा ही है, y को डिफाइन कर रखा है। तो सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है और प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक प्रतिलोम फलन भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक ऐसे अचर की बात करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स क्या दे रखा है। तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स है 4x+3, 4x+3 और f सच डेट n टू y में बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसमें, ठीक है ना, मान लेते हैं कि y जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल y से, स्मॉल y बिलोंग करता है कैपिटल y से। ठीक है, जब ये कैपिटल बाई से बिलोंग करेगा तो कैपिटल बाई किसके बराबर है, क्योंकि कैपिटल बाई एफ एक्स के बराबर होगा ना, ये हमारा सह प्रांत है, ये हमारा प्रांत है। तो एक्स जो है वो एन से बिलोंग करेगा और एफ एक्स जो है वो बाई से बिलोंग करेगा। तो अगर ये बाई से बिलोंग करता है तो एफ एक्स इक्वल टू कितना जाएगा, वाई। तो एफ एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं स्मॉल वाई। तो ये जो 4x+3 इक्वल टू कितना जाएगा, वाई। और यहां से एक्स का वैल्यू अगर निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू जो वाई -3/4। तो ये अगर देखेंगे तो ये हमारा बिलोंग करेगा कैपिटल एन से, किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल एन से। तो इसको हम एक और फलन मान सकते हैं क्योंकि ये वाई का फंक्शन है, तो इसलिए इसको हम जी वाई मान सकते हैं। तो जी वाई इक्वल टू जगह वाई -3/4। तो ये हमारा एक जी एक्स फंक्शन होगा और इस जी एक्स फंक्शन में, ठीक है, वाई किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल वाई से। तो यहाँ पे जी सच डेट हो जाएगा कैपिटल वाई और ये जो वैल्यू है किससे बिलोंग करेगा, एन से। तो ये मैपिंग हो जाएगा वाई टू एन। ये बात समझ में आया ना, क्योंकि वाई का फंक्शन है तो वाई हमारा कैपिटल वाई से बिलोंग करेगा और ये जो फंक्शन है, ये जो वैल्यू है, ये कहाँ, एक्स के बराबर है और एक्स किससे बिलोंग करता है, हमारा एन से बिलोंग करता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो यहाँ पे ये एन से बिलोंग करेगा तो इसका जो मैपिंग हो जाएगा वो वाई टू एन हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे जी ओ एफ एन एफ ओ जी निकाल के देखते हैं कि किसके बराबर है। तो देखेंगे जी ओ एफ, जी ओ एफ, तो जी ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स है 4x+3, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू कितना है, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 4x+3 और जी वाई इक्वल टू कितना, वाई -3/4। तो इक्वल टू हो जाएगा, ये वाई की जगह इतना रख देंगे
तो y 4x प्लस 3 माइनस 3 बाय 4, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे जी वाई इक्वल टू है वाई माइनस 3/4, ये है ठीक। चूंकि तो बाई की जगह हमने ये वाले वाले सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 से 3 कैंसिल हो जाए तो 4x/4x, 4 से 4 कैंसिल हो जाए तो ये जगह x, तो जी ओ एफ एक्स है, और x यहाँ पे जो बिलोंग करेगा n से, तो ये आपका बिलोंग करेगा आई एक्स से। तो जी ओ एफ क्या हो गया, आई एक्स के बराबर हो गया। अच्छा एफ ओ जी देखते हैं, एफ ओ जी किसके बराबर है, तो एफ ऑफ जी वाई, तो एफ ऑफ जी वाई, तो एफ ऑफ जी वाई, जी वाई क्या हमारे पास वाई माइनस 3/4, और एफ एक्स फंक्शन हमारे पास ये दे रखा है 4x+3, तो ये जाएगा हमारा 4y-3/4+3, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो y-3+3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू कितना जाएगा वाई। तो यहाँ पे हमें मिलता है कि एफ ओ जी इक्वल टू वाई, और यहाँ पे वाई जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल वाई से, इसलिए ये किसके बराबर हो जाएगा, आई वाई के बराबर हो जाएगा ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला कंडीशन, इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन में आते हैं। देखिए अगर एफ ओ जी, एफ ओ जी आई एक्स के बराबर है, सॉरी जी ओ एफ आई एक्स के बराबर है, एफ ओ जी आई वाई के बराबर है, तो जी जो है एफ का क्या होता है, प्रतिलोम फलन कहलाता है ठीक है ना। यहां पे लिख सकते हैं अतः स्पष्ट है, स्पष्ट है कि जी ओ एफ इक्वल टू आई एक्स तथा एफ ओ जी इक्वल टू आई वाई। तो इसका तत्पर्य हुआ कि एफ व्युत्क्रमणीय फलन है, इसका अर्थ हुआ एफ व्युत्क्रमणीय फलन है ठीक है। अब ये व्युत्क्रमणीय फलन है तो जी जो है एफ का प्रतिलोम है, तो एफ डैश इक्वल टू कितना जाएगा जी, तो एफ इनवर्स, डैश नहीं इनवर्स, तो एफ इनवर्स इक्वल टू जी, और जी इक्वल टू है हमारे पास y-3/4, फंक्शन ऑफ एफ एक्स, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा एफ का ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम व्युत्क्रमणीय फलन सिद्ध भी कर सकते हैं और इसका प्रतिलोम भी निकाल सकते हैं ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने लिए थे एग्जाम्पल में से, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन की आप एक बार प्रैक्टिस करना, और जो भी आपके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उन सारे एग्जाम्पल्स को आपको सॉल्व करना है, ये आपके आपका होमवर्क है। तो जितना क्वेश्चन मैंने नोट कराया है, जितना क्वेश्चन कराया है वो आप नोट कर लीजिए और उसको लर्न कर लीजिए। जो मैंने डेफिनेशंस आपको लिखा है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको आपको लर्न करना है और उसको समझना है। अगर आप इतना समझ लेते हैं तो आप गॉफ वॉक निकालना सीख जाएंगे, इसके अलावा आप व्युत्क्रमणीय फलन निकालना भी सीख जाएंगे ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ अभी तक हमारे चैनल को, वीडियोस को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में वीडियो को फैला दीजिए ठीक है ना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।